अब सीएम योगी कैसे गठबंधन का गणित बैठाकर सीटों पर बात को सुलझाते हैं ये देखना होगा। वैसे इस गठबंधन के बीच सभी की नजरें बागपत लोकसभा सीट पर टिक गई है, इसलिए आपका सांसद आपकी सीट की सीरीज में आज हम आपको बागपत सीट का इतिहास बताएंगे और साथ ही सीट के समीकरण भी समझाएंगे। आपका सांसद आपकी सीट की सीरीज में आज हम बात करेंगे बागपत लोकसभा सीट की। बागपत की धरती पर राजनीति हमेशा से ही खास रही है, क्योंकि यहाँ 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें बागपत, बड़ौर, छपरौली, मोदीनगर और सिवाल खास शामिल है। अभी यहाँ बीजेपी का कब्जा है। अब बागपत के इतिहास पर गौर करें तो बागपत लोकसभा सीट 1967 में बनी थी। सबसे पहले जनसंघ ने अपनी जीत दर्ज कराई थी, जिसके बाद कांग्रेस ने यहां जीत का परचम लहराया। लेकिन इमरजेंसी के बाद साल 1977 में आए राजनीतिक भूचाल ने कांग्रेस के हाथ को ही हिलाकर रख दिया और फिर यहां जीत के नायक बनकर उभरे चौधरी चरण सिंह। वो साल 1977, 1980 और 1984 में लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीते। यही वजह है कि सीट को चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि भी कहा जाता है। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट बदली और साल 1987 में चौधरी चरण सिंह का निधन हो गया। इसके बाद इस सीट पर जीत का परचम लहराया उनके बेटे अजीत सिंह ने। वो लगातार 6 बार इस सीट से सांसद बने। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में वक्त कब पलट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। साल 1998 में बीजेपी से सोमपाल शास्त्री ने उनको शिकस्त दी। वहीं धीरे धीरे आरएलडी की सियासत इस सीट पर इस कदर कमजोर पड़ने लगी कि साल 2014 के चुनाव में अजीत सिंह तीसरे नंबर पर जा पहुंचे। फिर साल 2019 के चुनाव में चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी ने अपनी किस्मत को आजमाया, लेकिन देश की बदलती राजनीति ने उनको जीत का स्वाद नहीं चखने दिया। हालांकि बागपत लोकसभा सीट पर ज्यादातर आरएलडी का ही कब्जा रहा है। अब बात करते हैं बागपत सीट पर मतदाताओं की। बागपत लोकसभा सीट पर 15 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। पिछले चुनाव यानी कि साल 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में करीबन 10 लाख वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, जिसमें करीब 6 लाख से ज्यादा पुरुष और 4 लाख से अधिक महिलाएं वोटर्स ने भागीदारी दिखाई थी। बागपत लोकसभा सीट पर जाट, गुर्जर, त्यागी, राजपूत, मुस्लिम और दलित मतदाताओं का प्रभाव रहा है। अब एक बार फिर से साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बागपत सीट पर सियासी घमासान छिड़ा है। फिलहाल अभी तक बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। गठबंधन को लेकर पार्टी की आरएलडी के साथ बात चल रही है। अब देखना होगा कि क्या बागपत की सीट जयंत चौधरी को देती है बीजेपी या फिर अपना प्रत्याशी उतारती है।